हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आपका एक फेसबुक का पेज है और वो पेज पे जो बिजनेस कैटेगरी आपने सेट किया है वो आप चेंज करना चाहते हैं, वो जो कैटेगरी आपने डाला था वो आपको अभी निकाल के दूसरा कुछ कैटेगरी अगर डालना है तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, ये हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये जो बिजनेस कैटेगरी है वो आपके पेज का जो नेम है, यूज़र नेम, उसके बाजू में दिखता है, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी करके दिख रहा है उस तरीके से। तो ये जो कैटेगरी है मुझे चेंज करना है और कुछ और कैटेगरी यहाँ पे डालना है, तो वो करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग्स में चले आइए। सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेज इन्फो, ये पेज इन्फो करके जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया एजेंसी पहला दिखा रहा है, फिर सॉफ्टवेयर कंपनी दिखा रहा है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, फर्स्ट मैं सॉफ्टवेयर कंपनी कर देता हूँ, फिर मैं सोशल मीडिया एजेंसी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक करूँगा और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसी डालूँगा, फिर मैं लास्ट वाला जो है वो उसे वेब डिज़ाइन करके डाल देता हूँ, वेब डिज़ाइनर। और ये जो चीज़ है ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं वापस से क्या करूँगा, मैं मेरे पेज पे जाऊँगा, पेज पे जाने के बाद रिफ्रेश करूँगा इस पेज को और देखते हैं कि चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी करके कैटेगरी जो आपने डाला था वो आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके बिजनेस का जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं और कौन सा कैटेगरी तीन में से दिखाना है उसे फर्स्ट में रख के दिखा सकते हैं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।